नाजरीन, मैं मुस्कान परवीन न्यूज मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज मोमेंट उर्दू में। आज जुमा है, मोमेंट फ्राइडे, और हम कुछ मुख्तलिफ के मकसद से जुमा का लम्हा पेश करने जा रहे हैं। आप अपने ख्यालात हमारे नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। TVS प्ले स्मार्ट प्ले अ पिक इंडिया फर्स्ट स्कूटर PSJ TVS आसनसोल मोबाइल नंबर 8695607777। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नौजवान माशरे की सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। नौजवानों में तब्दीली की ताकत होती है, नौजवानों में मुल्क की दफा को बचाने की ताकत होती है, नौजवान में हवा का रुख बदलने की ताकत होती है, नौजवानों में हमगीर तरक्की और इसकी जमहूरियत को बचाने की ताकत होती है। इसलिए न्यूज मोमेंट टीम ने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आने वाले नौजवान वोटरों का इंटरव्यू किया। ये रहा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं ट्विंकल, न्यूज मोमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं रहमत नगर वाले एरिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वार्ड काउंसिलर का चुनाव आने वाले 12 फरवरी को होने वाला है, और इस 12 फरवरी का चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों के कुछ युवाओं का वोट को लेकर, इलेक्शन को लेकर क्या राय है, आइए मिलते हैं कुछ नए वोटर्स, आइए मिलते हैं कुछ युवा से। आपका नाम? शहाना परवीन। आप पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ जी, पहली बार। आप अपनी सरकार जो लाना चाहेंगी वोट के माध्यम से, जिसको भी आप वोट देंगी, उस सरकार से आप क्या डिमांड रखना चाहेंगे? सबसे पहला डिमांड होता है नौकरी, पढ़ाई के बाद नौकरी। इस एरिया में सबसे बड़ा इशू वही है, चाहे मेरे जैसी हो या फिर मेरे से ज्यादा उम्र वाली हो, सबके पास वही प्रॉब्लम। ग्रेजुएशन करने के बाद भी अच्छे से स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, एजुकेटेड मतलब अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठा हुआ है। उसके अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ बहुत सारे इशूज है। सबसे मेन इशू तो यही एजुकेशन, उसके बाद अच्छा ट्यूशन नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छा ट्यूशन के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, और बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे पानी, रोड, बहुत सारा ये है, तो इस बार तो नाला चेंज करना चाहिए। अच्छा, आइए मिलते हैं कुछ और से। आपका नाम? उसके बाद लगता था। आप पहली बार वोट दे रही हैं? आप अपने गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे? यही चाहते हैं सब चीज़ का सुविधा चाहिए, आराम, पानी का, हर एक चीज़ का, आदमी का, खाने पीने का कुछ भी नहीं, सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरण हो, कोई घर में बैठा रहे, आज आए नहीं, वोट ले रहे, सब आ गए, वैसा नहीं होना चाहिए। वोट के टाइम में सब आता है, और अगर पहले पानी घुसता ही घुसता तो कोई नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे लेके पड़े रहते हैं, तीन दिन दो दिन भूखा रहते, वैसा रहा जाता है। और वोट के लिए सब आ जाता है, वोट दीजिएगा, इस बार जिताइए तो देंगे, मना जिताइए तो नहीं देंगे, यही सुविधा। मुद्दा यही है कि यहाँ का जो सड़क जो है, यहाँ पे सड़क वैसे बहुत खराब है। अब रहमत ने 4 नंबर रोड देख लिया, 4 नंबर रोड ये है, ठीक है। यहाँ का सड़क इतना खराब है कि हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है, 4-व्हीलर यहाँ पे घुसता नहीं है, ठीक है, बाइक से जाना पड़ता है, एम्बुलेंस घुसने का सुविधा नहीं है, किसी का एमरजेंसी, किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है, अगर सोचते हैं कि दरवाजे पर हम एम्बुलेंस लेकर आ जाए तो वो कभी हो नहीं पाएगा, पेशेंट रास्ते में ही हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी के भी गवर्नमेंट आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, तो अगर सबसे पहले रहमत नगर रोड नंबर 4 में, ठीक ना, है कि हम हर जगह देखे हैं सबका सड़क व्यवस्था सही है, लेकिन जो 4 नंबर रोड है उसका सड़क बहुत ही खराब है, यहाँ पर आना जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट का बहुत डर है। यही मुद्दा रहेगा मेरा, और जो भी सरकार आए, हम लोग यही राय है, जो भैया बोले वही राय हम लोग भी है, और क्या बोल सकते हैं, ये उम्मीद है कि रोड सड़क बढ़िया होना चाहिए, पानी का आराम होना चाहिए, और हम लोग क्या चाहिए बोलिए। पानी चाहिए है कि पानी का अभी जैसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 24 घंटा नल है, लेकिन सिर्फ नाम का ही नल है, आपका रात में 9-10 बजे पानी आता है, दिन भर पानी आता ही नहीं है, तो ये थोड़ा पानी पर भी ध्यान देना चाहिए, टाइमिंग कुछ नहीं है, कभी भी पानी टाइमिंग पानी का नहीं है यहाँ, पानी टाइमिंग इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, 10 बजे रात में नल खुलेगा, कभी सुबह में 5 बजे भोर को ही खुलेगा, क्योंकि इंसान हर समय तो फ्री रहता नहीं है यहाँ, एक टाइमिंग बना दो कि हाँ चलो 24 घंटा नहीं मिले, कम से कम शाम में 2 घंटा मिले, सुबह में 2 घंटा मिले, टाइमिंग को बांध देना चाहिए। अरे बहुत दिन से वोट दे रही हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं है, क्या बोले। आपका नाम? मेरा नाम रोशन आरा। आप कितने दिन से वोट दे रहे हैं? 2-3 बार सही
सही कैंडिडेट यहाँ का है, इस बार सही कैंडिडेट चुनने का मौका मिला है। पहला वोट है, वेस्ट नहीं करना चाहते हम लोगों के लिए, ये वोट हम वेस्ट करना नहीं चाहते। चार नंबर और तीन नंबर, हम तीन नंबर के आगे रहते हैं। वार्ड नंबर 82 का बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, बहुत ही ज्यादा, एजुकेशन वाइज बोलिए या फिर आप कॉर्पोरेशन वाइज बोलिए, हर हिसाब से वार्ड नंबर 82 का बहुत ज्यादा खराब है। हमीद नगर एरिया आप चल जाइए, मेरा कचरा है जो के वहाँ का जितना है ये रोड रोड होते वो सब। देखिए मैंने मिट्टी टू का हम लोग जोर से बोल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 25 साल से हम देखते हैं हमीद नगर एरिया में आपको पानी का बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम मिलेगा। आप इधर आलम नगर एरिया से मतलब पूरा मोड़ से आप सीधा इधर आ जाइए, उधर आपका रास्ता इतना ही ज्यादा खराब है, वहाँ से एम्बुलेंस क्रॉस करना किसी भी पेशेंट को, आए दिन एक्सीडेंट होता है, पूरा रास्ता इतना खराब है वहाँ का, इतना प्रॉब्लम है कि आपको क्या ही बोल सकते हैं। मतलब उस रास्ता में एम्बुलेंस जा ही नहीं सकता और ना ही कुछ बड़ा गाड़ी अंदर आने का सुविधा है, कुछ भी नहीं है। और आज ये आज से नहीं है, जब हम छोटे थे, जब हम वोटर नहीं थे, जब वोटर देते भी नहीं थे, तब उसे हम देखे और उससे पहले से ही चला है वो कंडीशन, आज तक बरकरार है, एकदम मेंटेन किया हुआ वो कंडीशन। हम लोगों के लिए न्यू कैंडिडेट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग नया चेहरा, नया काम, कुछ भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मौका देने जरूर देंगे चेंज करके। मैं अपने जैसे सारे वोटर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नया मतलब नए चेहरे को मौका दिया जाए, एक बार मौका चेंज करके देख सकते हैं इस बार हम लोग, क्योंकि हर बार वोट वेस्ट करना सही नहीं है, वोट बहुत कीमती है। वोट लेने के लिए तो आप अपने आप जो भी गवर्नमेंट लाएंगे अपने एरिया में, आप उस गवर्नमेंट को क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारे जो अगल बगल के आस पड़ोस है वो बहुत गरीब है, उन लोगों को सहायता मिलना चाहिए। आप वार्ड कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर हर वार्ड में जाकर आप देखिए कौन गरीब है, कौन लाचार है, किनके घर में खाने पीने वाला बच्चा है, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए मजबूर है, उन लोगों को आप सहायता कीजिए। आप तो वोट ले लेते हैं, वोट ले करके आप चमचे लोग को बैठा देते हैं, आप तो बैठते नहीं है खुद से। हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है, जाओ जाओ अभी जाओ बाद में आओगे, तो ये कोई बात नहीं हुआ। वोट लेने के लिए तो आप मेरे दरवाजे में आते हो, हाथ जोड़ते हो कि हम वोट लेना चाहते हैं, पर जरूरत पड़ता है तो आप दिखाई नहीं देते हैं। वोट लेके तो आप गैप हो जाते हैं और बैठा देते हैं चमचे लोग को, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको बोलने जाएंगे? और जाते भी हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है, हम लोग से कुछ सुना नहीं जाता, हम लोग से कोई बात नहीं होता है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ये अभी बीच में पानी आ गया, पूरा सैलाब आ गया, जो तो आपका तो सर बनता है ना कि हम आकर देखें करें कौन बच्चा है भूखा है, कितने दिन से भूखे हैं, तो आप आकर सहायता करें, पूछें यहाँ किसका क्या हो गया, कौन जिंदा है या कोई चले गया, आपको तो ये देखना लाजिम है ना। वोट लेने के लिए तो आप आइएगा दरवाजे पे, हाथ जोड़िएगा, बोलिएगा इसका नंबर खत्म कराइए, हम लोग का 25 साल का एक ही काम करता है, क्या फायदा होगा, कोई लाभ हुआ? और घर में सब जो भाई लोग हैं उन लोग को रोजगार बैठे हुए, उन लोग का कोई रोजी रोटी नहीं है, तो गरीबी तो और बढ़ता जा रहा है। आप लोग तो खुद जीत रहे हैं और आप लोग अपना की कर रहे हैं, हर जरूरत पूरा कर रहे हैं, और गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब की भी तो कोई सहायता है, पढ़ी लिखी लड़की है, कोई काम नहीं, गरीबी की हालत में पढ़ रहे हैं, किस अनुसार पढ़ रहे हैं हम लोग, वो तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग कुछ भी अप्लाई करने जाते हैं, बोलने जाते हैं, तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है जाओ जाओ अभी जाओ बाद में आओगे, अभी नहीं है, तो ये सब बात नहीं ना होता है। आपको तो अभी हम लोग बोल दें कि आप लोग भी जाइए जाइए, अभी नहीं देंगे वोट, तो आप लोग तो दरवाजे पे आते हैं वोट लेने के लिए, फिर उसके बाद तो दिखते नहीं है, वोट लेने के बाद दिखना तो चाहिए ना, आप वार्ड कमिश्नर है तो आपको तो दिखना चाहिए कि हम अपना जो भी जिसके ये से हम जीते हैं उसकी सहायता हम कर रहे हैं, उसके हर इर्द गिर्द में रहे हैं, आप लोग तो रहते नहीं है, नल बंद हो जाएगा फिर पानी पिए, रोड का भी हालत खराब है, किसी के घर में पानी नहीं, किसी के घर में कुछ नहीं, जैसा कि रोड का कंडीशन खराब रहता है, गिर जाता है इंसान, बूढ़ा मुरब्बी। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है, ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है, ये घर सिर्फ घर नहीं,
ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। मगरी बंगाल शराब कोरोना बहरान के सूरत में रियासती हुकूमत ने हर किस्म की शराब की घर घर डिलीवरी की सर्विस शुरू की थी। ये सर्विस ईस्ट एक्साइटेड डिपार्टमेंट के पोर्टल से की जा रही है। इलाके के लहज से शराब की दुकानें अपने अमले के जरिए बेड़, वहशी, रम, मलकी, शाख्ता वगैरह की होम डिलीवरी कर रहे हैं। शराब की दुकानदार कहीं कहीं ये सर्विस करते हैं लेकिन ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। ऐसे में रियासती हुकूमत मुख्तलिफ रिटेल कंपनियों के साथ मुहादे करके इस सर्विस को बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहती है। अगरचे एक्साइटेड डिपार्टमेंट सरकारी तौर पर इसे शराब का ई रिटेल कह दिया है लेकिन लोगों ने इसे दौरे शराब प्रोजेक्ट करार दिया है। मौकम एक्साइटर के मुताबिक ये अमल गुज़श्ता अगस्त में शुरू हुआ था। मगरी बंगाल ईस्ट ट्रेजर कॉरपोरेशन WEBCO जो मौकमा एक्साइटर के तहत आता है ने शराब की रेटिंग में दिलचस्पी रखने वालों से दरख्वास्त तलब की है। इन कंपनियों की दरख्वास्त देने को कहा गया था जो शराब को ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेंगी और मुख्तलिफ रिटेल ऑफलेटर से शराब खरीदार और ख़रीदारों के घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर सकेंगी। ताहम ये एक निज़ाम था कि शराब सिर्फ एक ख़ास उम्र से ज़्यादा ख़रीदारों को फरोख्त किया जा सकता है। मोकामा के ज़राए के मुताबिक रुआमार चार कंपनियों बाजमर ड्रिंक्स, निजत बॉक्स, डेंजो डिजिटल और पोलोस्टीन इनालिटिका के नाम से फाइल किए गए हैं। फिलहाल ये मालूम नहीं है कि इन्हें शराब कैसे मिलेगी, वो कैसे बचेंगे और कैसे पहुंचाएंगे। फरवरी के अवाइल में चार अदारों के साथ मुहाफत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके बाद तमाम कानून हुकूमती होंगे। ब्यूको ने अप्रैल के शुरू में घर घर डिलीवरी सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाई इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। अश्वगंधा पौधे की खसूसियत। अश्वगंधा के पौधे हिंदुस्तान, शिमाली अफ्रीका और मशरकी वस्ती की है लेकिन अब इनकी काश्त अमेरिका समेत दुनिया भर के मौतदिल मौसमों में की जा सकती है। यहाँ तक कि हमने अपने जुनूबी और रेगुन प्रोजेक्ट फॉर्म में कुछ इजाफा किया। दिलचस्प बात यह है कि अश्वगंधा की अड़ापत्तो जैन खसूसियत और जिस्म को तवानाओ के मुताबिक ढलने में मदद करने की इसकी सलाहियत और इस हकीकत से जाहिर होती है कि पौधा बंजर हालात और ख़राब मुयार वाली अलाकीन मिट्टी में परवान चढ़ता है जबकि ज़्यादातर पौधे इस माहौल से शदीद तनाव का शिकार होते हैं। अश्वगंधा फूलता फलता है। ये बारहमासी झाड़ी 3 फुट तक लंबा होती है और पौधा पूरे चांदनी रंग के भूरी रंग के बालों से ढका होता है। पत्ते बीजों और तकरीबन 2 से 6 इंच लंबा होते हैं और इसके छोटे पीले सब्ज सितारे की शक्ल के फूल किसी भी समय में 1/2 इंच तक बढ़ते हैं। अश्वगंधा बीरी कागज़ कलेक्स के अंदर बंद होती है जो फल के तहफ्फुज का काम करती है। अगरचे पत्तों और बीजों में इलाज की अहमियत होती है लेकिन ज़्यादातर फवायद झाड़ी के मिट्टी मासिल जड़ों के हासिल होती है जिसे हम बरगद में इस्तेमाल करते हैं। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल, मोबाइल नंबर 7047456855। अश्वगंधा के फवायद। अश्वगंधा का इस्तेमाल जिस्मानी अफाल को टोन, सपोर्ट, मजबूत और जिंदा करने के लिए किया जाता है। इसे एक ही वक्त में तवानाई बख्शने और पुरसुकून करने की इसकी दोहरी सलाहियत के लिए वक्त के साथ एहतराम किया जा रहा है। तनाव के खिलाफ मजाहमत करने के जिस्म की सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हुए ये जिस्म को दिन भर अहम तवानाई महफूज रखने और बरकरार रखने की काबिल बनाता है जबकि रात को पुरसुकून नींद की फरोग देता है। तनाव थकावट का सबसे सबब बन सकता है जो अक्सर हाइपर अलामत के तौर पर जाहिर होता है जैसे
स्टाल अंगेजी और सोने में दुश्वारी, एक पुरुष बख्श लेकिन तवनाई बख्श और असर फराहम करके अश्वगंधा एक सेहतमंद अजाफी निज़ाम की हमायत कर सकती है। अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव अजाफी निज़ाम पर इतनी शिद्दत के साथ असर अंदाज नहीं होता और तनाव का इस्तेमाल हाइपर अलामत कुदरती तौर पर वक्त के साथ हल हो जाएगी। इस तरह अश्वगंधा का अजाफी निज़ाम और इसके नतीजे में पौधे वजूद पर एक फिर से जवान और सुकून असर पड़ता है। अश्वगंधा की ये खूबी इसे ट्विंग और जवान होने के अमल में इस्तेमाल करने की अहम ज़मीना बनाती है। इसकी दोहरी तवनाई बख्श और पुरसुकून असर के अलावा अश्वगंधा बहुत ही फ़वाद पेश करता है, एक सेहतमंद मुदाफती निज़ाम के हिमायत करता है, जहनी अमल को पुरसुकून करता है, सेहतमंद नींद की नमो और फ़रोग देता है, मर्दों और औरतों दोनों में सेहतमंद तौलीदगी निज़ाम को फ़ायदा पहुंचाता है। तवनाई की पाकिदियाँ सतह ताकत और जनोबल को सपोर्ट करता है। बशमुल जिस्मानी सरगर्मी सेहतमंद कमर और जोड़ों का सहारा देता है, सेहतमंद अजामत को सपोर्ट करता है, थायराइड की सेहत को फ़रोग देता है। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। मोबाइल नंबर 9932864076 8116183079। और अब नज़मों की बारी। जो शहर दिल में ये फितना फसाद बाकी है, यूँ लग रहा है तेरी कोई याद बाकी है। मैं शायरों में सराहा गया हूँ खूब, मगर तेरी तरफ से जो मिली है वो दाद बाकी है। कि हर शहर शुकुन में आ जा तुम्हें संभालूँ को, सखनवरों में सफ़ों में कशाद बाकी है। मैं तेरे बाद अभी तक अकेला रहता हूँ ख्यालो वहम में, अब इनफराद बाकी है। तेरे उधार का खाता तो बंद पड़ा है, मगर शहर को लोगों में तेरा एतमाद बाकी है। वो आने वाले हैं बैठो अभी तो महफिल में, दिलों को थाम लो तकसीम अशनाद बाकी है। तरह तरह के सवालों से शेख है बरहम, यहाँ तो लोगों में अभी तजाद बाकी है। जिस्म के सारे इज़्ज़ा पे तेरा कब्ज़ा है, फ़कत जिस्म मेरे कल्ब शाद बाकी है। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Address Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, Paschim Bardhaman. Mobile number 9832824975. और अब बारी है आज के SMS of the moment की। Sometimes you have to let go of the picture of what you throw life would be like and learn to find joy in the story you are actually living. कभी कभी आपको इस तस्वीर को छुड़ाना पड़ता है जिसके बारे में आपने सोचा था कि ज़िंदगी कैसी होगी, और इसे कहानी में खुशी तलाश करना सीखें जो आप हकीकत में जी रहे हैं। और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।